तहन दोस्तों, सैनिक इस देश की धरोहर है, ये नेता ने प्रूफ किया। मैं सलूट करता हूं इस नेता को। खबर सुनिए कि घर जाकर के 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। ये 2 दिन पहले का हादसा है। पंजाब फिरोजपुर लोहे के कला गांव में हमारा एक जांबाज सिपाही कुलदीप सिंह, जो चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गया था, शहीद होने के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके गांव लाया गया। उसको एक बच्चा है, बीबी और माता पिता। उसके बाद वहां के सीएम साहब उनके घर जाते हैं, कल घर जाते हैं, उसको 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं। पूरे समाज के सामने वादा करते हैं कि ये मेरी कथनी और करनी है। मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब के अंदर कोई भी सैनिक, चाहे वो जेसीयू है, जवान है, अधिकारी है, यदि वो बलिदानी बनता है, यदि उसकी शहादत होती है, तो मैं उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दूंगा। और उन्होंने जाकर के ये किया। ये पूरे भारत देश के मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए, जो कि फौज के ऊपर राजनीति करते हैं, उनको शबक है। इस मुख्यमंत्री साहब ने जाकर के उनके घर पर के 1 करोड़ का चेक दिया। ये जो चेक देख रहे हो, उसमें 95 लाख हैं। 5 लाख उन्होंने अंत्योष्टि के दिन दे दिए थे, यानी पूरे 100 लाख, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए दे दिए उनके। उस शहीद हमारा लड़के का नाम कुलदीप सिंह, उसके नाम पर गांव में स्टेडियम की घोषणा की। बोला इस गांव में, लोहे के कला में 30 से ज्यादा फौजी हैं, मैं एक स्टेडियम बनाऊंगा और जिसका नाम होगा कुलदीप सिंह स्टेडियम। और उनकी जो पत्नी है, उसको नौकरी का वादा किया है। संभव हुआ सेना में तो मैं सेना में, नहीं तो मैं प्रदेश सरकार में नौकरी दूंगा। वो जवान जो 2014 में भर्ती हुआ, 6-7 साल की उसकी सर्विस है, और उसको चाइना बॉर्डर पर वो शहीद हो जाता है, और उसके पीछे पूरा परिवार, उसकी बीवी, एक बच्चा, माता पिता किस तरह बिलखते हैं। आज उनको समाज से हट करके एक नेता ने ऐसा मैसेज दिया है, जिसकी पहल तो हर कोई बात करता है, पहल किसी ने नहीं की, पहल आज इन्होंने की है। हम सब इनको सलूट करते हैं कि इन्होंने फौज के परिवार की भावनाओं को समझा, और उन्होंने कहा कि फौजी इस देश की धरोहर है। यदि इसकी जो क्षति है, इसका भरपाई पैसे से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आर्थिक मदद इतनी तो बनती है। आज उन्होंने ये काम किया है। सभी को ये मैसेज जाना चाहिए कि इसके ऊपर राजनीति सभी करते हैं, फोटो फौजियों के साथ सभी खिंचाना पसंद करते हैं, शहादत में शामिल भी हो जाते हैं, सब चीजें बातें होती हैं, और 7-8 दिन बाद सब भूल जाते हैं। जो वादे करते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने वादा नहीं किया। बोला मैंने वादा तो बहुत पहले कर दिया था, बस आज इरादा है कि आपके दुख में शामिल हूं, और लो लीजिए 1 करोड़ का चेक, और जो भी हमसे बनेगा आपके लिए मैं करता रहूंगा। सलूट करता हूं ऐसी सोच को। शायद ऐसी सोच सब में व्याप्त हो जाए तो हमारे देश का जो सैनिक है हमेशा गर्व करेगा कि नहीं, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, मेरे पीछे मेरी जनता है और जनता के प्रतिनिधि हैं, जो कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है। जय हिंद दोस्तों।